ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, वैद्युत चालन जो हमारा अध्याय है उसके अंतर्गत हमारी जो आज की वीडियो या हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, इससे पहली वीडियो में आपने ये जाना कि विद्युत धारा क्या होती है, अर्थात धारा का कारण क्या है। तो हमने कहा था बच्चों आपको, आवेशों के प्रवाह को, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है बच्चों। और बच्चों, हमने आपको ये भी बता दिया था बच्चों कि जो ठोस हैं या द्रव हैं या गैस हैं, तीन प्रकार के जो द्रव्य होगा उनमें धारा का कारण कौन होगा, अर्थात इनमें विद्युत धारा कौन ले जाएगा, आवेश वाहक क्या होगा। तो ठोस जो भी बच्चों मैंने आपको बताए थे, ज़्यादातर जो बच्चों इसमें धातुएं जो मैंने बताई थी बच्चों, ये हैं सुचालक। ठीक है बच्चों, कंडक्टर। ठीक है बच्चों, धातुएं सुचालक हैं, इनमें बहुत ज़्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं धातु में होती हैं, ठोस की श्रेणी में। कल बच्चों हमने आपको बता दिया था सुचालक, कुचालक और अर्धचालक आपको बताया था बच्चों हमने। उसमें हमने जो सेमीकंडक्टर है बच्चों, उसमें कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम बताया था बच्चों। बच्चों थोड़ा एक गलती हो गई थी, जर्मेनियम को जी लिखना था कि जल्दी में जी आर लिखा गया, आप उसको जी पढ़ेंगे। और इंसुलेटर, कुचालक अर्थात जैसे प्लास्टिक हो गया। ठीक है बच्चों, ये सब कागज़ हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, कुचालक हैं। ठीक है बच्चों। तो ठोस, इसी ठोस, जो ठोस है इसी को बच्चों हमने तीन भागों में यहाँ पे बांटा था कल जो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। यहाँ पर हमने आपको बोला था बच्चों सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, लेकिन आपको बता दूं जब ठोस की बात आई है तो हमने आपको कहा कि ठोसों में जो चालन होगा वो किसके द्वारा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। बच्चों ये लिखा है ना मैंने, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा। सुचालक जिसमें जो है आपकी धातुएं आती हैं, Ag हो गया, Cu हो गया, Al हो गया। ठीक है बच्चों, मतलब चांदी हो गया, तांबा होगा, एल्युमिनियम। अर्धचालक, इनमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं सुचालकों की तुलना, लेकिन कुचालकों से ज़्यादा होता है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बच्चों GE लिखने में GR लिखा लिख गया था पहले चैप्टर में, पहले जो है जो वीडियो थी बच्चों आपको GE देखना है। कुचालक जैसे प्लास्टिक। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने कल बताया था बच्चों, बार बार रिकॉल किया जा रहा है, नगण्य होते हैं। और इसमें जो है, इसमें आपके सुचालक में सबसे ज़्यादा, इसमें जो है इससे कम, और कुचालक में सबसे कम होते हैं, नगण्य होते हैं बच्चों। ये हो गया बच्चों धातुओं में, अर्थात धातुओं में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है बच्चों, धातुओं में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो किसके कारण प्रवाहित होगी बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, अर्थात आवेश वाहक
जो कैरियर हैं, ठीक है बच्चों, उसमें हो जाएंगे मुक्ति लॉकडाउन। अर्थात धारा को ले जाने वाले जो होंगे वो होंगे मुक्ति लॉकडाउन। अब बच्चों कल मैंने आपको ये बता दिया है पहली वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखी होगी बच्चों, तो मैंने आपको बताया था द्रव जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, आयन होते हैं, आयन, ठीक है बच्चों। इसमें धन और ऋण दोनों के कारण क्या बहती है, धारा बहती है, ठीक है। और ठोस का क्या होता है, आयनीकरण जब होता है, ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, गैसों का जब आयनीकरण होता है तो गैसों के परमाणु में से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये यहाँ भी आयन बना देता है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, आयन है, और इसके कारण जो है करंट फ्लो होती है, ठीक है बच्चों। ये भी क्या है, आयन है। तो बच्चों हमने आपको बता दिया है कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा जो है आवेशों के प्रवाह को, अर्थात आवेशों के चलने को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब ठोस में कौन ले जाएंगे विद्युत धारा को, मुक्त इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। द्रव में कौन ले जाएंगे, आयन ले जाएंगे, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। गैसों में क्या होगा, विद्युत धारा का कारण कौन होगा, उसमें भी आयन होंगे, प्लस और माइनस दोनों होंगे। ये तो बात हो गई बच्चों विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब धारा की प्रबलता कितनी होगी, धारा का मान क्या होगा, ठीक है। विद्युत धारा की माप क्या होगी, किस प्रकार से विद्युत धारा की प्रबलता, या इसको प्रबलता, इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों, इंटेंसिटी क्या होगी, विद्युत धारा की इंटेंसिटी क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है बच्चों, जानना आपने। विद्युत धारा या धारा लिख दो मैं सीधे, धारा बराबर आवेश, आवेश बटे समय, ठीक है बच्चों। धारा बराबर क्या हो गया, आवेश बटे समय हो गया। अब इसकी अगर हमने परिभाषा आपको बतानी है कि धारा की कितनी प्रबलता होगी, ठीक है बच्चों, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। अब तो नापना है ना आपको धारा को, इससे पहले तो आपने एक जनरल सी परिभाषा बताई है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि कितनी धारा होगी, तो उसके लिए आपको उसकी प्रबलता या माप बतानी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों सूत्र क्या है, I बराबर है Q बटे T है, ठीक है बच्चों, है ना बच्चों। अब क्या होगा यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, क्यू को एक कूलाम कर दो, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम है, ये तो आप जानते हैं बच्चों, और टी कर दो एक सेकंड, टी को बच्चों हमने कर दिया एक सेकंड, और एक कूलाम का आवेश हमने यहाँ पर दे दिया है। अब धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर एक कूलाम बटे एक सेकंड। अब देखो मात्रक भी बच्चों यहीं से आ जाएगा, देखो बच्चों, और एक बटे एक जो है एक हो गया, कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है, ठीक है बच्चों, एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर जो हैं, यहाँ पर एक एम्पियर की परिभाषा, वैसे देखो बच्चों यहाँ पर हमने धारा की जो प्रबलता की परिभाषा, धारा की, देखो बच्चों ये तो हमने एक एम्पियर के द्वारा समझाया आपको, ठीक है बच्चों। अब धारा की परिभाषा क्या होगी, एक कूलाम यदि एक सेकंड में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा एक एम्पियर होगी, ठीक है बच्चों। एक कूलाम यदि एक सेकंड में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा क्या होगी बच्चों, एक कूलाम होगी। लेकिन ये तो एक कूलाम,
अब परिभाषा के लिए क्या कहेंगे, आवेशों के प्रवाह की दर को। देखो बच्चों, समय का जब भाग दिया जाता है, बच्चों मैं यहाँ पर इसको मार कर दूँ, आई बराबर, देखो आई बराबर क्या है बच्चों, क्यू अपॉन टी है। तो जब समय का भाग दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे एकांक कह देते हैं, या एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। दो तरीके से हम कह सकते हैं विद्युत धारा की अगर परिभाषा, ये तो एक कूलाम की परिभाषा बताई बच्चों। अब विद्युत धारा की परिभाषा के लिए क्या कहेंगे, यहाँ पर एक कूलाम टी अगर एक होगा, एक कूलाम सॉरी बच्चों एक सेकेंड में, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टी को यदि एक सेकंड कर देंगे तो आई किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, क्यू के बराबर आ जाएगा। अर्थात एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, या तो आप ऐसे बोलो, ठीक है बच्चों, विद्युत धारा क्या है, एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, या तो ऐसे बोलो, या ये दर है, क्या है, दर, ठीक है बच्चों, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर, और जब समय का भाग देंगे बच्चों उसको दर बोल देंगे, आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात अब बच्चों अगर हम दोनों को छोड़ दें, अब हम इस बात पे आ गए हैं कि विद्युत धारा क्या है, मैं यहां पर बता रहा हूं, तो यहां पर बता देते हो, एक सेकंड में, अगर जनरली आपको अगर याद रखना है, एक सेकंड में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश ही विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मान है, ठीक है बच्चों। तो हमने अगर विद्युत धारा का मान निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसी को बच्चों हम क्या कह देंगे, विद्युत धारा कह देंगे। अब बच्चों जो है आपने विद्युत धारा का मान पढ़ दिया, अब जो है बच्चों एम्पियर, एम्पियर धारा का बड़ा मात्रक है, एम्पियर धारा का बड़ा मात्रक है, ठीक है बच्चों, ये एक बड़ा मात्रक है धारा का, ठीक है बच्चों। अब छोटे मात्रक आपको चाहिए बच्चों, तो सबसे पहले आता है एक मिली एम्पियर, एम को बनाना है स्मॉल, ए को बनाना है कैपिटल, 10^-3 एम्पियर, ठीक है, हजारवां भाग है, और एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10^-6 एम्पियर। और जनरली जो है बच्चों यहाँ पर हमें मिली एम्पियर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब आपको देखना, अगर मिली एम्पियर का प्रयोग कर रहे हैं तो मिली अमीटर का प्रयोग होता है, मिली अमीटर इसको नापता है, मिली अमीटर, ठीक है बच्चों, मिली अमीटर। और यदि यदि एम्पियर नापना है, एम्पियर यदि एम्पियर नापना है धारा, एम्पियर में नापनी है धारा, तो जनरली जो है अमीटर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, जनरली आप अमीटर का प्रयोग कर देंगे जो कि जो है उसको नापने वाला उपकरण है। लेकिन अगर धारा बहुत कम है तो बच्चों आप मिली अमीटर का क्या करेंगे, उसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपको बच्चों हमें ये बताना है कि ये एम्पियर जो हमने अभी आपको बताया कि एम्पियर बड़ा मात्रक है, अर्थात धारा को हमने कहा क्या, धारा को हमने कहा कि एक सेकंड में धारा का जो मान है, धारा का मान है क्या बच्चों, फिर बता रहा हूँ, धारा का मान एक सेकंड में,
एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा है। बच्चों ध्यान से आपको ये देखना है, धारा का जो मान है एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें बताना है कि एक एम्पियर धारा यदि एक सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, एक सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, यदि क्या हो रहा बच्चों, हमने कहा एक एम्पियर की जो धारा है वो एक सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, ये मैं अंडरलाइन कर दूं, देखो बच्चों हो रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात बच्चों हमने यहां पर यह बताना है कि एक एम्पियर की धारा अगर एक सेकंड तक प्रवाहित हो रही है तो कुल आवेश जो हमारा है, ठीक है बच्चों, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है बच्चों, हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो आवेश की कुल मात्रा जो मैंने कल आपको बता दिया है, अगर आपने वीडियो देखी है, आवेश की कुल मात्रा, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर Q बराबर एन ई, ठीक है बच्चों, कुल आवेश की मात्रा होती है बच्चों एन ई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है, इसलिए प्लस माइनस, और ये एन का जो वैल्यू है ये एक से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स है या प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी का भी हो सकता है। बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे, कल की वीडियो में भूलवश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश को धनात्मक कहा गया था और प्रोटॉन का आवेश को ऋणात्मक कहा, ये भूलवश जो है हो जाता है, आप इसको मेंशन नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक बराबर और विपरीत हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आवेश की कुल मात्रा ये होगी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास सूत्र क्या है बच्चों, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है बच्चों, अब जब I बराबर Q अपॉन T है तो हम Q को N ही लिख सकते हैं, हमको N ही तो निकालना है, N माने इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निकालनी है बच्चों, तो I बराबर कितना हो जाएगा N E बटे T। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों N E बटे T, या अगर हम N ही निकालेंगे तो N E कितना हो जाएगा बच्चों I इंटू। ठीक है बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों I इंटू टी बटे e। ठीक है बच्चों, अब दिया क्या है, कितनी एम्पियर धारा, I कितनी है बच्चों एक एम्पियर की धारा है, I जो है एक एम्पियर है, और आप कितने सेकंड तक, एक सेकंड में निकाल रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ठीक है बच्चों, तो n की जो वैल्यू है एक गुणा एक बटे 1.6 × 10⁻¹⁹, अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा बच्चों एक गुणा 10⁻¹⁹, ऊपर चले जाएगी और नीचे हो जाएगा बच्चों 1.6, और इसको अगर और सॉल्व करना चाहते हैं, ये 1.6 को 16 बनाना, तो 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 बाई कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻¹⁹। अब बच्चों देखो ये हो गया 5 और ये हो गया 8। ठीक है बच्चों, और अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 8 का भाग 5 बने गया, 8 छः 48 2 हो गया, 8 दूनी 16 4 8 5 40 हो गया,
इंटू 10^19। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको 625 बना देता हूँ, 625 मैंने बना दिया बच्चों, तो हज़ार गुना जो है मैंने इसको बड़ा बनाया, तो हज़ार से भाग दे देंगे, हज़ार से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 0 3 घातें कम हो जाएगी, तो इतने। ठीक है बच्चों, तो इतने इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने के लिए परिपथ में कम से कम 625, अगर बच्चों मैं इसको पूरा लिख दूं, थोड़ा ध्यान देंगे आप, यहाँ देखो लिख देता हूँ, मैं पूरा लिख देता हूँ, 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर की धारा के लिए आपको इतने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों क्या आप कह सकते हैं कि ये 1 एम्पियर की धारा क्या होगी, बहुत बड़ी धारा होगी। 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकंड तक, 1 एम्पियर ये लिखा है बच्चों, 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है किसी परिपथ में, किसी चालक में, तो उसमें 625 गुणा 10^16 ये दिखाई दे रहा बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब हम निष्कर्ष पर आते हैं कि 1 एम्पियर की धारा बहुत बड़ी धारा है, इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं, अर्थात एम्पियर का 1000वां भाग है बच्चों मिली एम्पियर, और ज़्यादातर बच्चों जो हैं इसी मिली एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप जो हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं, और यदि जो हैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट सरल तरीके से जो हैं जानना है, तो बच्चों आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहें, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि कहां पर हमसे जो है कौन सी गलती हो रही है, और आपको बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। एक बात आपको बता दूं बच्चों, क्योंकि जो है बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि बोल्ड नहीं है, कॉपी है, इसमें बोलने में गलती हो जाती है, लेकिन बच्चों इसमें हमारे पास जो है कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, उसको एडिट कर नहीं सकते हैं, तो आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जो है बच्चों कहीं पर गलती हो जाती है, उसको एडिट करना जो है कठिन है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में जो है ये गलती हो गई थी कि जर्मेनियम को जो है जल्दी में GR लिखा था, जबकि GE है, और बच्चों ये तो सार्वभौमिक है, प्रत्येक बच्चा जानता है इलेक्ट्रॉन परिणाम आवेश और प्रोटॉन धन आवेश होता है, तो बोलने में वहाँ पर गलती होगी। तो बच्चों जो हैं आप जो हैं वीडियो को देखते रहें, इस चैप्टर में मैंने आपको 2 वीडियो बना दी हैं, और तीसरी वीडियो के लिए जो है आपको इंतजारी करनी पड़ेगी अगली वीडियो की। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।